मैथ बुक टू के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में है डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, मतलब के दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। मतलब कि हमें दो पॉइंट्स गिवन होंगे और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि उन दोनों के पॉइंट्स के दरमियान क्या डिस्टेंस आएगा। तो फॉर एग्जांपल, ये कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन है आपके पास, और इसमें आपको दो पॉइंट्स गिवन हैं। एक ये पॉइंट है P1 और एक ये पॉइंट है P2। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये बनता है, और ये डिस्टेंस कितना है और कैसे कैलकुलेट करना है वो हम इस एक्सरसाइज के पार्ट में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 डिस्टेंस कैलकुलेशन है, और उसका पार्ट ए जो है क्वेश्चन वो है, ए पॉइंट हमें दिया हुआ है ए पॉइंट 3.1 और बी पॉइंट हमें दिया हुआ है, बी पॉइंट है -2, -4। अब ये पॉइंट में 3 जो है वो एक्स की रीडिंग है और ये जो 1 है वो वाई की रीडिंग है, मतलब के 3 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, और इसी तरह पॉइंट बी में -2 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और -4 रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। अच्छा, अब इसको सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स आते कहाँ पे हैं। ये वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, 1, 2, 3, 1, 2 and 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3। इस तरह से हमने ये नंबरिंग कर ली, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। इसी तरह ये वाई एक्सिस का है पॉजिटिव 1, 2 and 3, और इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा -1, -2 and -3। अब ये पॉइंट्स देखते हैं, एक्स की तरफ हमने 3 रीडिंग्स जाना है, मतलब x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है। ठीक, एक्स की रीडिंग ये बनती है, ये पॉइंट बनता है x=3, और दूसरा जो है वाई की रीडिंग है 1, मतलब वाई यहाँ पर 1 है। इन दोनों को हम अगर जॉइन करें, इसको हम पैरेलल लगाएंगे लाइन एक्स एक्सिस के, और यहाँ से हम पैरेलल लाइन लगाएंगे वाई एक्सिस के, तो ये इंटरसेक्शन जो है ये पॉइंट हमारे पास आता है जहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 1 है, 3.1, ये है पॉइंट ए। इसी तरह हम सेकंड पॉइंट, हम पॉइंट बी ड्रॉ करते हैं। पॉइंट बी में एक्स जो है उसकी वैल्यू है -2, एक्स कहाँ पर -2 है, -2 लेफ्ट साइड पे आएगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जाएं तो एक्स -1 होता है, उसके बाद -2, ये है x=-2, ये पॉइंट। और उसके बाद वाई की वैल्यू क्या है, -4, और वाई नेगेटिव कहाँ पे होता है, वाई नेगेटिव डाउनवर्ड होता है, तो यहाँ पर जाके वाई -4 आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं ना ओरिजिन से, -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4, ये पॉइंट बनता है y -4 का, ये बना था x -2 का, ये बना था
वाई माइनस फोर। अब इसको हम एक दूसरे के पैरल लगाते हैं लाइंस, मतलब इसको हम वाई एक्सिस के पैरल लेके जाएंगे और यहाँ से हम एक्स एक्सिस के पैरल लेके जाएंगे। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में वो हमारे पास पॉइंट बनता है जहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस टू है और वाई की वैल्यू माइनस फोर है। माइनस टू कोमा माइनस फोर, ये हमारे पास बन गया पॉइंट बी। दोनों पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब देखना है कि हम इन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे वो भी हमने देखना है। ये डिस्टेंस है बनता है जो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक का, ये डिस्टेंस है जो रेड लाइन शो कर रही है। और ये डिस्टेंस कैसे आएगा उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, पॉइंट टू का एक्स पार्ट माइनस पॉइंट वन का, मतलब हम इसको लिखेंगे थ्री माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है माइनस टू, माइनस टू। पॉइंट ए के एक्स वैल्यू में से पॉइंट बी की एक्स वैल्यू माइनस की और उनका स्क्वायर ले लिया और फिर पॉइंट ए के प्लस पॉइंट ए के वाई की वैल्यू वन माइनस पॉइंट बी की वाई की वैल्यू माइनस फोर और उनका स्क्वायर ले लिया और ये उसका स्क्वायर रूट भी साथ में। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस में रिजल्ट देते हैं। तो थ्री प्लस टू का स्क्वायर प्लस वन माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा फोर और उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। और इसी तरह से फाइव का स्क्वायर बनता है फाइव स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो 25 प्लस 25 स्क्वायर रूट और 25 प्लस 25 50 आ जाएगा। 50 अंडर रूट क्या होता है, 50 अंडर रूट अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास बनता है 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। तो ये वो डिस्टेंस है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में डिस्टेंस बनता है और ये पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीट्यूड होता ही पॉजिटिव है। अगर आप कहें जी किसी चीज़ की लंबाई है तो वो पॉजिटिव में बताएंगे कि इतने फुट है, तीन फुट है, चार फुट है, या इसी तरह से आप किसी चीज़ की विड्थ बताना चाहें, लेंथ बताना चाहें, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस बताना चाहें तो वो पॉजिटिव ही बताएंगे, नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि सेंस नहीं बनती नेगेटिव की यहाँ पर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू के बाकी पार्ट्स भी सेम हैं जो कि आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री भी आते हैं, बल्कि उससे पहले मिड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू जो है वो मिड पॉइंट हमने निकालना है। पार्ट टू में उसने हमें मिड पॉइंट निकालने के लिए कहा हुआ है। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब कि हमें दो पॉइंट्स, जिस तरह से ये ऊपर हमारे पास दो पॉइंट्स से ए और बी, इन दोनों के दरमियान का जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट बनता है, तकरीबन यहाँ करके बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट हमने बताना है कि वो पॉइंट कौन सा पॉइंट बनता है। तो उसकी भी एक कैलकुलेशन है वो हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहले एक एग्जांपल मैं देता हूँ,
ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसमें दो पॉइंट्स लाए कर रहे हैं, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है। अब इसके दरमियान में जो मिड पॉइंट है, लाजिम मिड पॉइंट नाम से ज़ाहिर है दरमियान का पॉइंट, वो तकरीबन यहाँ पर करके बनेगा, यहाँ पर। ये तो अप्रॉक्सीमेट मैंने बताया ना, यहाँ पर बनेगा, लेकिन इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे आएगी? एक इसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, एक पॉइंट का डिस्टेंस उसके ओरिजिन से ये बना, और दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस कितना बनेगा? दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस भी ओरिजिन से तकरीबन ये बनेगा, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, ठीक। ओरिजिन से एक पॉइंट का, लेट्स सपोज ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से ये बनता है और बी पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बनता है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैसे आएगा, मिड पॉइंट कैसे आएगा? हम इसके डिस्टेंस में से बी के डिस्टेंस में ए का डिस्टेंस ऐड करें और फिर उसको टू पे डिवाइड कर दें तो वो उसका मिड डिस्टेंस बन जाता है। लेकिन हमने मिड पॉइंट निकालना है तो पॉइंट के लिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। एक एक्स चाहिए होता है और एक वाई चाहिए होता है, तब जाके हमारे पास एक पॉइंट बनता है। तो उसके लिए हम दोनों पॉइंट्स के एक्स को, एक्स कोऑर्डिनेट्स को, मतलब ए का जो है लेट्स सपोज एक्स वन है और बी का जो है वो एक्स टू है, उन दोनों को सम करेंगे और उसको टू पे डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि जो ये मिड पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और इसी तरह से वाई का हम करेंगे कि ए के वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे बी के वाई कोऑर्डिनेट में और उसको भी टू पे डिवाइड कर देंगे, तो इसी तरह से ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, उस मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। इस तरह से ये हमारे पास मिड पॉइंट बन जाएगा। तो अब इसका जो हमारे पास उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ये था ए पॉइंट, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव 1 2 3, पॉजिटिव 4, ये भी पॉजिटिव है वाई पे, ठीक है 1 2 3, और ये पॉजिटिव 4। इसी तरह नेगेटिव वाई पे आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा -1 -2 -3 और ये -4। और पॉइंट्स जो हमारे पास थे ए पॉइंट 3, 1, मतलब एक्स जो है वो 3 है और वाई जो है वो 1 है, ये पॉइंट बना था ए पॉइंट, और बी पॉइंट हमारे पास था -2, -4। -2 यहाँ पर इसको हम पैरेलल लेके आए थे और -4, एक मिनट इसको दोबारा से स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से, -2 से पैरेलल लेके आएंगे, बेंड कर रही है थोड़ी सी, अच्छा -2 से हम लेके आए और y जो है वो -4 है, y से हम पैरेलल लेके जाएंगे तो ये पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है और ये पॉइंट b है। इन दोनों के दरमियान का ये डिस्टेंस और उसका मिड पॉइंट डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि ये था, और उसका मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है। तो वो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमने फार्मूला देखा जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, तो वो करते हैं। ए के क्या कोऑर्डिनेट्स थे, एक तो 3, 1। आप ग्राफ से भी देखें तो एक्स जो है वो 3 पे लाई कर रहा है इस पॉइंट का और वाई जो है 1 पे लाई कर रहा है। इसी तरह से आप बी का अगर देखें क्या बनेगा,
जहाँ पर एक्स जो है बी का क्या बनता है, माइनस टू। यहाँ से देखा जाए तो एक्स पे स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन लेके जाई जाए तो माइनस टू बनता है, ये माइनस टू एक्स। और साथ में हमें पॉइंट के लिए वाई चाहिए होता है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए बी के लिए देखें, यहाँ से हम वाई कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाएंगे हॉरिजॉन्टली तो देखेंगे माइनस फोर, ये बी पॉइंट। अब इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को, एक्स वन आप कोई सा भी इसको ले लें, ए को थ्री, एक्स पार्ट जो है एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो थ्री है, और बी के लिए एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टू। इन दोनों को सम करेंगे और टू पे डिवाइड भी करेंगे क्योंकि हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसी तरह वाई, ये वाई वन था ये वाई टू था, वाई वन जो है वो ए का ले लें, ए का वाई कोऑर्डिनेट या वाई की वैल्यू क्या है वन, वन। और इसमें क्या हमने सम करना है, पॉइंट पी की वाई की वैल्यू वो बनती है माइनस फोर, इसको हमने इसमें सम किया और इसको फिर टू पे डिवाइड कर देना। तो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस रिजल्ट देंगे, थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाय टू। और इसी तरह ये भी प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट देंगे माइनस में, वन माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू। तो थ्री माइनस टू वन आ जाएगा, वन बाय टू, और साथ में वन माइनस फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू। ये एक पॉइंट बना जो कि मिड पॉइंट की वैल्यू है, मिड पॉइंट की वैल्यू है, ठीक है। मिड पॉइंट बनता है, इसको हम एम कह देते हैं मिड पॉइंट। इसको अगर हम ड्रॉ भी करके देखें तो देखते हैं कि कहाँ पर बनता है मिड पॉइंट, वन बाई टू मतलब हाफ, एक्स जो है वो वन बाई टू है, वन बाई टू तकरीबन तकरीबन यहाँ पर आता है, ये वन बाई टू है, बल्कि वन बाई टू हाफ यहाँ पे आता है, वन का हाफ, ये वन बाई टू ये है, और साथ में वाई की वैल्यू है माइनस थ्री बाई टू। माइनस थ्री बाई टू कितना बनता है, माइनस वन पॉइंट फाइव, पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो माइनस वन पॉइंट फाइव, तकरीबन माइनस वन और माइनस टू के दरमियान में ये बनता है माइनस वन पॉइंट फाइव। ये वन बाई टू था और ये माइनस थ्री बाई टू। इन दोनों को आप पैरेलल लेके आते हैं, इसको हम वाई के पैरेलल लेके जाएंगे और इसको हम एक्स के पैरेलल लेके जाएंगे, तो तकरीबन तकरीबन ये पॉइंट जो है ये पॉइंट बनेगा मिड पॉइंट। और देखा जाए तो मिड पॉइंट भी यही लग रहा है इसका, ये होगी मिड पॉइंट की कैलकुलेशन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 15 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक, कि मतलब के कौन कौन से हमें पॉइंट्स गिवन हैं, सही। एक पॉइंट लेट्स पार्ट ए जो है वो पॉइंट हमें गिवन है अंडर रूट 176.7, जिसमें एक्स की वैल्यू जो है अंडर रूट 176 है और वाई की वैल्यू है वो 7 है। तो हमने ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस 15 बनता है या नहीं बनता। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे कि हम इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और अगर वो 15 के इक्वल हुआ तो हम कहेंगे जी ये बिल्कुल ये इसका डिस्टेंस 15 है, अगर नहीं बनता तो हम नो में आंसर करेंगे कि नहीं जी ये तो वेरीफाई नहीं कर रहा 15 को। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन पॉइंट जो है ये कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर लाई करता है और इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं यहाँ पर एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है,
इसलिए इसको ओरिजिन कहा जाता है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं कितना बनता है। तो उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, उसी फार्मूले से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। वो फार्मूला था एक्स वैल्यू एक पॉइंट की, इस पॉइंट को ले लेते हैं अंडर रूट 176 माइनस ओरिजिन। ओरिजिन का एक्स क्या है, वो ज़ीरो है, उसका स्क्वायर प्लस जो दूसरा है वाई, वाई वैल्यूज़ लिखते हैं। इस पॉइंट की वाई की वैल्यू 7 है, माइनस इस पॉइंट की मतलब ओरिजिन की वाई की वैल्यू 0 है, 0। इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाता है, इसको सॉल्व करते हैं, 176 अंडर रूट वही आ जाएगा 170, क्योंकि माइनस ज़ीरो है, वो 7 माइनस 0 7 ही हो जाएगा, 7 का स्क्वायर और साथ में अंडर रूट उसी तरह से नीचे आ गया। और फिर 176 ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखें तो 176 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, पावर 1/2, ये है 176 का स्क्वायर रूट। अब इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर भी है, तो ये स्क्वायर है, ठीक, ये क्या बना 176 अंडर रूट का स्क्वायर। तो पावर्स जैसे कि आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, पावर की पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है सॉल्व करते हुए। तो 170 इसको अगर हम सॉल्व करें तो 176 की पावर क्या बनेगी, 1/2 पहले से ये थी और साथ में दूसरी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो पावर 1 बन गई, तो पीछे 176 ही बचा। इसी तरह फिर ये यहाँ पे 176 आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मतलब 49, 49 आ गया और उसका अंडर रूट। अच्छा अब 176 प्लस 49 225 बनता है, 225 इसका स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो 15 आता है, मतलब कि ये वेरीफाई कर रहा है कि इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस 15 बनता है। तो हम लिखेंगे यस द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट रूट 176.7 एंड ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट, यस द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड ओरिजिन इज 15। और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन 3B ख़त्म होता है, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 के, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 एंड होते हैं।